कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या उन्हें भी संक्रमण का खतरा है। वैज्ञानिकों का जवाब है हाँ, क्योंकि दुनिया भर में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में वायरस से कोई भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमण का खतरा किसे है और किसे नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जोखिम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है और ये बहुत कुछ उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन डॉक्टर आशीष कुमार झा का कहना है कि टीका लगवा चुके लोगों का जीवन उन लोगों की तुलना में थोड़ा आसान हो सकता है जिन्हें अब तक टीका नहीं लगा है। टीका लगवाने के बाद संक्रमण का खतरा क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण का खतरा कई तरह की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। टीका कार की सीट बेल्ट की तरह है, आप किसी हादसे से गंभीर खतरे से बच सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ स्थिति पर निर्भर करता है। टीके के असर को इस तरह से समझें। लॉस एंजलिस के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डॉक्टर शैरन वॉल्टर के अनुसार टीका लगवा चुके 10,895 लोगों और टीका न लगवाने वाले 30,801 लोगों पर शोध किया गया। इससे पता चला है कि प्रति 1,00,000 में 7 दिन में 315 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं टीका लगवा चुके सिर्फ 63 लोग ही संक्रमण की चपेट में आए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।